केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की घोषणा से एक बार फिर रुड़की का पिछड़ा क्षेत्र अब विकास से वंचित नहीं रहेगा। नितिन गडकरी ने धनेरी से इकबालपुर तक गंग नहर से सिंचाई नहर के निर्माण के लिए भले ही करोड़ों की घोषणा कर दी हो, लेकिन अब नेता ही इसका श्रेय लेने में जुट गए हैं। एक तरफ जहां ज्वालापुर से बीजेपी विधायक सुरेश राठौर ने इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताया, तो वहीं आनन फानन में सीएम के सलाहकार डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने रुड़की पहुंचकर प्रेस वार्ता कर इसे अपनी कामयाबी बताया। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड सरकार और वो इसके लिए लंबे समय से प्रयासरत थे। उन्होंने उत्तराखंड सरकार की इसे बड़ी कामयाबी बताया। 11 करोड़ की लागत से इकबालपुर नहर से पूरे हरिद्वार के समूचे घाट क्षेत्र को फायदा मिलेगा। गौरतलब है कि सीएम के सलाहकार ठाकुर नरेंद्र सिंह हरिद्वार सीट से लोकसभा चुनाव की मजबूत दावेदारी कर रहे हैं और इसी के चलते वो यहाँ पर पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भले ही सरकार अभी तक जहरीली शराब कांड के मृतकों को मुआवजा न दे पाई हो, लेकिन सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पर राजनीति होने लगी है। जो इस क्षेत्र में जो हम ग्रे एरिया कहते हैं, इसे वाटर टेबल के हिसाब से ग्रे एरिया है जहां हम रहते हैं, तो वहां पे पानी की आने वाले दिनों में अगर आप देखें, अभी हमारा चल रहा है लगभग 2019 2030 के आसपास से इतना बड़ा पानी का क्राइसिस होने वाला है। तो उस चीज़ को देखते हुए एक नहर का प्रोजेक्ट तो बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन अब हम इसे सफल हो पाए हैं, अब इसे हम लागू कर रहे हैं और ये घोषणा हो चुकी है और इसका पैसा वगैरह सर आप देखें, वो तो एक कार्यकर्ता है, तो सरकार के प्रोजेक्ट होते हैं, किसी इंडिविजुअल के नहीं होते, और उनका भी उसमें अगर उन्होंने किया है तो वो तो क्षेत्र के लिए अच्छी बात है, उनका योगदान भी सराहनीय है। संवाद 365 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रुड़की।